इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाए। पानी के पास रहना हमेशा मनुष्य के लिए स्वाभाविक रहा है, चाहे वह सिंचाई, मछली पकड़ने, पीने के पानी, वाणिज्य या परिवहन के लिए हो। इस प्राकृतिक देन ने हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उन समुदायों का क्या जिन्होंने चीजों का एक कदम और आगे बढ़ाया और पूरी तरह से जल को अपनी ओर बसेरा बना लिया। दुनिया के कई ऐसे गांव हैं जो पानी में स्थित है, तो आइए हम जानते हैं आज शानदार फ्लोटिंग गांव के बारे में। डल झील, भारत। कश्मीर के एक विशालकाय झील तैरते हुए लकड़ी के घरों और पीर पंजाल पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियों के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक सुंदरता और फ्लोटिंग बाजारों में जीवंत संस्कृति और व्यंजनों के मेल के साथ विस्तृत विक्टोरियन शैली की बालकनिया एक बहुत ही अनोखा अनुभव देती है। शिकारा परिवहन का सामान्य तरीका है, जिसमें सामान को बाजार में लाना, बच्चों को स्कूल और पर्यटकों का आकर्षक हाउस बोट्स में ले जाना है। कंप्योंग आयर बुरनई, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ गांव, जो कि बंदर सेरी बेगवान में स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य लोगों से काफी विपरीत है, क्योंकि गांव की तुलना में यह एक छोटा सा महानगर है। 38 किलोमीटर लकड़ी और कंक्रीट की प्रभावशाली बोट हॉक लगभग 40 गांव को जोड़ती है स्पीड बोट्स के साथ, जो यात्रियों को पुलिस बल और अग्निशमन दल को ले जाने के सक्षम है। टिम्बर हाउस मस्जिदों, स्कूलों और रेस्टोरों में बगल में स्थित है और हर किसी के पास बिजली, रनिंग वाटर और टेलीविजन तक पहुंच है। वहाँ भी वाईफाई हर जगह उपलब्ध है। भजाव सागर के खानाबदोश लोगों के कथित तौर पर 1000 साल से भी अधिक पहले ब्रुनई नदी के ऊपर मकान बनाए गए थे। सदियों से यह अस्थायी समुदाय गांवों और पड़ोस में विस्तारित हुआ। यहाँ अमीर लोगों और किसानों दोनों के घर है। गनवी बेनिन, अफ्रीका की सबसे बड़ा झील नोकू झील पर स्थित है और यहाँ अनुमान 20,000 लोगों के घर है। कथित तौर पर यहाँ टॉफिनू जनजाति द्वारा गांव 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। जो दास व्यापार से बचना चाहते थे, उन्होंने नोकू झील पर शरण ली और मछली पालन के लिए परिकृत नेटवर्क बनाने के लिए अपनी जलवायु का उपयोग किया, जो आज भी मौजूद है। तैरते हुए उस गांव में अब स्कूल, अस्पताल, तैरती हुई दुकानें और यहाँ तक कि पर्यटकों के लिए एक होटल भी है। कोपनई, थाईलैंड। अंडमान सागर के सैकड़ों चुना पत्थर की चट्टानों के बीच फांग नागा खाड़ी में एक गांव है, जो कथित तौर पर दो मुस्लिम परिवारों के वंशज है, जो लगभग 200 साल पहले इंडोनेशिया गए थे। एक ऊर्जाधार चूना पत्थर की चट्टान की ओर में स्थित कोनपनई में 1500 से अधिक की आबादी के साथ 360 परिवार रहते हैं। इस तैरते हुए गांव में एक स्कूल, बाजार, मस्जिद और यहां तक की लकड़ी और मछली पकड़ने के राफ्ट का उपयोग करके बनाया गया फुटबॉल मैदान भी है। झले झील, म्यांमार। चान हिल्स पठार में स्थित इसे झील की तुलना में कुछ ही झीलें अधिक शांत है। घरों को लकड़ी के खम्भों के सहारे बनाया जाता है और परिवहन के लिए कश्ती उपयोग की जाती है। इनका लोग, जिनका मतलब है झील के बेटे, अपनी सब्जियों को लंबी संकरी नाव के तैरते हुए बगीचों से लाते हैं, फिर अस्थायी बाजारों में बेचते हैं, जो विभिन्न गांव के बीच लगते हैं। चोंग खनेस, कंबोडिया। चोंग खनेस एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक टोले सेप पर स्थित है। झील नाटकीय रूप से मौसम के साथ फैलती और सिकुड़ती है, लेकिन पूरे साल यह लकड़ी के खम्भों पर 150 से अधिक गांव को मेजबानी करती है। इस तैरते हुए गांव में रेस्तरां, दुकानें, स्कूल के कमरे, एक मंदिर और एक चर्च है। हालांगबे, वियतनाम। पानी में चूना पत्थर के लुभावने परिदृश्य के बीच हालांगबे की फ्लोटिंग बस्ती के चार गांव शामिल है, जो लगभग 1600 लोगों को मिलकर बना है। यह स्थान मछुआरों द्वारा अपना सामान बेचने के लिए एक जगह के रूप में शुरू हुआ और बाद में मछली पकड़ने और समुद्र जलीय कृषि पर आधारित पूरी तरह से आत्मनिर्भर समाज में विकसित हुआ। लोगों का जीवन आंतरिक रूप से पानी से जुड़ा हुआ है और जिन नावों और अस्थायी घरों के उन्होंने बनाया है, वे उन्हें आश्रय और परिवहन, संस्कृति और आजीविका प्रदान करते हैं। यूनेस्को ने इस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया है।